Live, a platform to sharing your thoughts. सिटी लाइव डायलॉग में सब संसार दिल से के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम की सहयोगी संस्था है नारी कभी ना हारी, लेखिका, साहित्य संस्थान मानसरोवर जयपुर। मैं वीना चौहान, नारी कभी ना हारी, मेरी पुस्तकों के नाम हैं समर्था, समाधान, देसी चकने, विदेशी सपने, अनजाने क्षितिज। मैं केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षिका हूं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशा शर्मा, जो संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान में सेवारत हैं। इनका कहानी संग्रह है अपराजिता और आप आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र से निरंतर जुड़ी हुई हैं। अन्य बहुत सारी साझा पुस्तकों में आपने भागीदारी की है। हमारे साथ हैं आज नीलम सपना शर्मा, वो भी सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं और उनकी पुस्तकें हैं स्वप्निल यादें, कविता संग्रह उजास किरणें, एहसास आसपास, अस्मिता कहानी संग्रह, सपनास ड्रीम इन डेजर्ट, जो इनका यात्रा वृतांत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति हमारी जिम्मेदारी। मानव का वजूद प्रकृति से है, न कि प्रकृति का अस्तित्व मानव से। तो हम आज इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज देश में हम देख रहे हैं जो हाल है, हमने प्रकृति का कितना दोहन किया है और हमारी प्रकृति जो है उसको हम विनाश के कगार पर ले गए हैं। तो आज इसी के संदर्भ में हमारी बहनें लाई हैं कुछ कविता, कुछ कहानियां। तो इस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रयास किया था और हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाने के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने के लिए इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। उस समय इसमें पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए 119 देशों ने भाग लिया था और वो लोग सभी चिंतित थे निरंतर बढ़ता हुआ तापमान, प्रदूषण की समस्या, और सारा संसार इस समस्या से जूझ रहा है। ये नहीं कहा हमारे भारत में ये है, अनेक जीव जंतु इस बढ़ते हुए तापमान के कारण प्रदूषण से विलुप्त हो गए हैं और बहुत सारी बीमारियों की चपेट में हम आ गए हैं। आपने कोरोना महामारी देख ली है, इसमें ऑक्सीजन के महत्व को किस तरह से आपने देखा, एक एक रोगी एक एक सांस के लिए छटपटाता हुआ हमने अपने देश के अंदर और संसार के अंदर देखा। अगर हम पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो एक एक सांस के लिए भाइयों बहनों हम तड़पते रहेंगे। इस दिन की इसलिए महत्व है कि हर गांव को हमें हरा भरा बनाना है, पेड़ लगाने हैं, बाग बगीचे बनाने हैं, नदियां समुद्र इनकी सब सफाई करनी है, क्योंकि इनसे भी बहुत अधिक प्रदूषण फैल रहा है और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। 5 जून 1974 में केवल एक पृथ्वी, इस ये स्लोगन दे करके और इसे मनाया गया। तभी से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं और मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण सबसे जरूरी है। कोरोना की महामारी ने आपको ये सब दिखा दिया है। हमें जीवन जीने के लिए हवा मुफ्त में मिलती है, पानी मुफ्त में और भोजन हमें इन्हीं सब से मिलता है। तो जिंदा रहने के लिए हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है हवा, पानी, भोजन, और दवाओं का स्रोत भी यही है। लेकिन हमने क्या किया भाइयों बहनों, हमने निरंतर वनों की कटाई की, पहाड़ों को तोड़ा, सड़कों का निर्माण किया और यातायात के साधनों का खूब विस्तार किया, कंक्रीट के खूब महल बनाए और ग्लोबल वार्मिंग से, ब्लैक होल से इतना इफेक्ट पड़ा कि पृथ्वी का सारा संतुलन हमने बिगाड़ दिया, उसके ठेस पहुंचाई। और यदि यही दोहन हमने जारी रखा तो भावी पीढ़ी हमें कभी भी माफ नहीं करेगी, ये मान के चलिए। तो हम आम नागरिकों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे देश में भी हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और ये 5 जून को, जिससे हमारे आम नागरिक जागृत हो, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएं,
साइकिल चलाए जो इतना कार्बन हम गाड़ियों से धुआं निकल रहा है वो बंद हो जाए, वनों का प्रबंधन करें, उन पर ध्यान दें, सौर ऊर्जा पैदा करें। आपको मालूम है विश्व के अंदर सबसे पहले चिपको आंदोलन की शुरुआत पर्यावरण रक्षण के लिए उत्तराखंड के चमोली से हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनके अभी अभी आपने मिशन के बारे में सुना, गोरा देवी ने बहुत विशेष रूप से इसको आजीवन पर्यावरण बचाने की मुहिम में वो लगी रही थी। जी। राजस्थान के चिपको आंदोलन की भी शुरुआत जोधपुर के खेजड़ली गांव से 1730 में हुई थी। आप देखिए 1730 में हमारे जो बिश्नोई समाज की बहनें थी उन्होंने कितना बड़ा एक उस समय एक राजा जागरूकता अभियान और राजा के विरुद्ध जो है फिर ये चला। तो इसकी शुरुआत जो खेजड़ी गांव से 1730 में हुई थी और जब राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया तो इसके बाद भारी संख्या में जो विश्नोई समाज के लोग थे, जो महिलाएं थी वो उनसे चिपक गए और आप सोच सकते हैं 363 लोगों ने पेड़ों से चिपक करके और उनको काटने नहीं दिया और अब उनकी खुद की जो है उनको काट दिया गया। अमृता देवी बिश्नोई ने विरोध किया और उन्हें पेड़ सहित ही काट दिया। तो ये अब 1730 के बाद तो 2021 का कोरोना महामारी ने हमको सांसों का महत्व, ऑक्सीजन का महत्व बता दिया और अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे। तो जो मेरी बहनें आज लाई हैं पर्यावरण से संबंधित चीजें तो वो अब आपको सुनाएंगी। तो मैं सबसे पहले नीलम सपना शर्मा मैडम से नमस्कार। मैं नारी कवि ने हारी लेखिका साहित्य संस्थान से नीलम सपना और स्वागत नीलम जी आपका। जी। तो जैसा कि दीदी ने बताया पर्यावरण के बिना हम कुछ भी नहीं। पेड़ पौधे ये लगाना हमारी आवश्यक चीजें हो गई हैं, लेकिन इसके विपरीत वनों की कटाई और ये इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जहाँ अधिक या तो अकाल पड़ता है या वर्षा अधिक हो जाती है और जमीन का कटाव होता है। ऐसे ही इन चीजों से हम इतने त्रस्त हो गए हैं और आज के समय में कितनी बड़ी महामारी हमारे सामने है और प्रकृति से जब हम खिलवाड़ करते हैं, पर्यावरण की रक्षा नहीं करते हैं तो वो प्रकृति भी हमसे बदला लेती है। इस विषय पर मैंने 2013 में जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी और जिसमें केदारनाथ मंदिर वो भी टूटकर बिखर गया था और उस समय कितनी जन धन हानि हुई थी वो हमें सभी को पता है। उसी समय मेरे को कुछ विचार आया और मैंने उस समय एक कविता के रूप में कुछ लिखा है, आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। स्वागत। तो मैंने लिखा रात सपने में आई माँ गंगा, रात सपने में आई माँ गंगा, शांत वत्सल प्रेम पगी माँ गंगा। उसने प्रेम से हमें दुलराया, प्रेम विहल हो माथा सहलाया। तो हम तनिक नाराज हो बोले क्योंकि त्रासदी बहुत बड़ी थी, वाणी में थोड़ा नमक सा घोले। माँ तुम्हारी करतूत जरा न भाई, माँ तुम्हारी करतूत जरा न भाई, क्यों तुमने विनाश लीला फैलाई। बहुत माँ तनिक व्यंग से मुस्कुराई, माँ तनिक व्यंग से मुस्कुराई, बात अपनी ऐसे समझाई, अरे ओ मूर्ख मानव अभिमानी, अरे ओ मूर्ख मानव अभिमानी, तूने बात कभी न मेरी मानी, तूने बात कभी न मारी मेरी मानी, कहने को तो तू मुझे माँ कहता है,
गंगा माँ को माई कहते हैं, जिस दिन मेरी पूजा करता है, जिस दिन मेरी पूजा करता है पानी मेरा पूजा घर में भी रखता है, क्योंकि अंतिम समय में हम गंगा जल से ही जाने वालों को मोक्ष दिलाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन मेरी पूजा करता है पानी मेरा पूजा घर में रखता है, सदियों से स्तुति भी गाता है, गंगा माँ की आरती बड़ी से गाई जाती है, लेकिन जहाँ दिखता है लाभ तुझे, लेकिन जहाँ दिखता है लाभ तुझे वहाँ सब भूल दुर्गति मेरी करता है। क्या बात, जैसे हमने अभी देखा लाशें ही प्रवाहित कर दी हमने गंगा। बिल्कुल, क्या तू जानता नहीं, क्या तू जानता नहीं मेरे किनारे बसे नगरों का गंदी गंदा पानी भी उसमें ही गिरता है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और मेरे इस पावन जल को निरंतर तू अपवित्र करता रहता है। इस तरह से मेरे इस पावन जल को निरंतर तू अपवित्र करता रहता है। तूने तो मेरे बहाव स्थल में ही रेस्तरा धराए धर्मशालाएं बनवा ली, और यहाँ आत्मशुद्धि की नहीं मौज मस्ती की स्थलियां बनवा ली। कटु सत्य है, कटु सत्य है। तू विस्की में मिलाकर मेरा जल पीता है, दारू हो गई सुरा ऐसी भ्रम में तू जीता है। बड़े शान से हम कहते हैं कि अरे अब तो सुरा पी रहे हैं, मेरे किनारे इतनी गंदगी मचा दी, मेरे किनारे इतनी गंदगी मचा दी, और नीचता की तो तूने हद ही कर दी, नीचता की तो तूने हद कर दी। आखिर हार कर 10-20 बरस में सफाई मुझे ही करनी पड़ती है, जैसे कि आज भी कोरोना महामारी के रूप में प्रकृति हम पे बरसी हुई है। नीचता की तूने हद कर दी, आखिर हार कर 10-20 बरस में सफाई मुझे ही करनी पड़ती है, और तेरे किए की भरपाई भी मुझे ही भरनी पड़ती है। सही है, बढ़िया। अरे मूर्ख मानव सच का सामना कर, अरे मूर्ख मानव सच का सामना कर, इसका कुछ विचार कर, इसका कुछ विचार कर, आगे से न हो ऐसी विनाश लीला, आगे से न हो ऐसी विनाश लीला, इसका कोई उपाय कर। इतने में ही आंख हमारी खुल गई, इतने में ही आंख हमारी खुल गई, माँ आंखों से ओझल हो गई, और जाते जाते वो हमें समझा गई, पाप कितने हमें हमने किए बतला गई। लेकिन मूर्ख मानव आज भी नहीं समझ रहा है, बहुत नहीं समझ रहा है। बहुत बड़ी आशा जी, आप क्या लाए हैं? दीदी एक और सुना सकती हूँ क्या? इसके बाद आशा जी के बाद, ठीक है आप आशा जी। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्कार, इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को नमस्कार। नमस्कार आशा जी, नमस्कार जी, नमस्ते। और बड़ा ही एक ज्वलंत मुद्दा है जिस मुद्दे को आज लिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस के लिए। सबसे पहले तो मनुष्य इतना कृतज्ञ प्राणी है कि जिस प्रकृति ने उसे जन्म दिया, जिसकी गोद में वह बड़ा हुआ, उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली आ रही है, उसकी उसने इतनी दुर्गति कर दी कि वर्षों पहले जागरूक लोग समझ गए और प्रकृति को बचाने की मुहिम चलानी पड़ती है, पर्यावरण दिवस मनाने की नौबत आ गई है, ऐसी स्थिति तक मनुष्य ले आया है। बिल्कुल, जबकि इंसान खुद प्रकृति से बना है, हम जानते हैं प्रकृति के 5 तत्वों से उसका निर्माण हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 तत्वों का पुतला है मनुष्य, लेकिन फिर भी वो पता नहीं किस भ्रम में और किस अज्ञान में और किस अभिमान में रहता है, उसने नाश कर डाला, बिल्कुल सही, उसने अति कर दी है, और उसके परिणाम तो हम बहुत पहले से ही देखते चले आ रहे हैं, कभी महामारियों के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी सूखे के रूप में, कभी और दूसरी आपदाओं के रूप में, ओजोन परत में छेद हो रहा है, कह रहे हैं कि आकाश तत्व, वो भी हमारे कितनी बीमारियां, बीमारियां जो है आधुनिकता की, आधुनिकता अच्छी बात है, मनुष्य विकास करता है अपना, मनुष्य को शक्ति दी है प्रकृति ने, तो दी है ये बुद्धि कि मनुष्य विकास करे,
लेकिन अब वो विकास को किस ओर ले जाए ये उस पर निर्भर करता है। उसको विनाशकारी बना दिया है, उस बुद्धि को कल्याणकारी बनाने की जगह विनाशकारी बना दिया। विकास अपनी ऐसी कीमत चुका रहा है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है हमें, हम जानते हैं मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये विकास की भी कीमत चुकानी पड़ रही है। पर इतनी खतरनाक कीमत, इतनी बड़ी कीमत कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो इतना तो फिर मूर्ख, ये तो फिर बुद्धि पत्ता नहीं हुई, मूर्खता हुई। तो वृक्षों को जो बचाने की मुहिम हमारे, जैसे दीदी ने बताया अभी बिना दीदी ने कि चिपको आंदोलन हुआ, उसके पहले भी कितने आंदोलन हुए, बहुत पहले से हमारे जो पुराने लोग थे वो जान गए थे कि प्रकृति को बचाना, हमारी भविष्य को बचाने के लिए कितना जरूरी है। तो वो ज्यादा शिक्षित थे, अपने अपने देश में तो पूजा होती थी बड़ के पेड़ की, पीपल की, और आज भी करते हैं, आज भी समझ नहीं रही, बिल्कुल इनको लगाना, इनको वो करना तो पुण्य का कार्य माना जाता है। वो इसीलिए था क्योंकि वैज्ञानिक चीजों को समझाने के लिए हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो चलो धर्म से जोड़ दिया जाए, बिल्कुल धार्मिकता की आड़ में या धार्मिकता के माध्यम से ही प्रकृति को सींचे, कुछ तो करे। ये हमारे यहाँ था पक्षियों को दाना डालना, चींटियों को आटा डालना, मछलियों को आटा डालना, लेकिन आज सब प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन प्रदर्शन भी नहीं रहा, अब तो जो नई पीढ़ी है वो तो बिल्कुल वो प्रदर्शन भी नहीं करना चाहती, तोड़ जा रही है, उसको तो कोई संस्कारों से मतलब ही नहीं। तो अब बहुत समय आ गया है, बहुत ही ऐसे पॉइंट बिंदु पे आ गए हैं हम कि विनाश में, मनुष्य के विनाश में उसकी सभ्यता में बहुत थोड़ा सा ही अंतर बचा है। जो कितनी महामारी में अभी सांसों की और ऑक्सीजन की कीमत तो बता ही दी, उसके लिए तड़प ही रहे हैं। अब कहीं ऐसा नहीं हो कि पानी की भी एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ जाए भविष्य में, और ऐसा नहीं हो कि पानी के लिए भी ऐसी मारा मारी और नौबत आए। वो दिन कितना खतरनाक होगा कि हम कल्पना भी करके हमारी रूह कांप जाएगी। इसीलिए जल ही जीवन है कहा गया है, जल ही जीवन है, वायु के बाद जल की बारी है, बिल्कुल। तो हमें अभी इन अपने प्रकृति के तत्वों के प्रति अब भी समय तो बहुत निकल चुका, तो ये भी नहीं कह सकते कि समय रहते संभल जाए, समय भी नहीं रहा, लेकिन अब भी संभल जाए तो बहुत है, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रकृति के प्रति हम जागरूक हों। एक कविता जरूर मैंने लिखी है, दीदी सुनाना चाहूंगी। सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मैंने क्योंकि ये तो विश्व पर्यावरण दिवस है, सभी लोग जागरूक हों, पर हम हमारे भारत के संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी है कि भारत कैसा, हम सभी जानते हैं कि भारत प्रकृति के रूप में इतना समृद्ध रहा है, बिल्कुल, कि हमारे मनीषियों ने बहुत विशेष प्रकृति को महत्व दिया था। तो मैं सुना रही हूँ एक कविता, हाँ जी, जिसका शीर्षक है स्वर्णिम युग। स्वर्णिम युग पहले भी था और फिर भी आ सकता है, अब भी हाँ, आ सकता है, आज हमें कमर कसनी पड़ेगी, बस कमर कसनी पड़ेगी हर भारतवासी को, बिल्कुल। तो कविता आपके सामने प्रस्तुत है, भारत भूखे रम्यांचल को दुर्दृष्टि ये किसकी लगी आज, नजर लग गई है। भारत भूखे रम्यांचल को दुर्दृष्टि ये किसकी लगी आज, जो शस्य श्यामला वसुधा थी वह अनुर्वरा क्यों बनी आज। वाह बहुत बढ़िया। जो शस्य श्यामला वसुधा थी वह अनुर्वरा क्यों बनी आज। कभी कालिदास का मेघदूत, हमारे यहाँ तो साहित्य ही प्रकृति पे हुआ करते थे आधारित, बिल्कुल कालिदास का मेघदूत प्रसिद्ध है। कालिदास का मेघदूत विहरा करता था जो नभ पर, शुचि श्यामलता का सम्मोहन छा जाता था भूमंडल। बहुत बढ़िया। शुचि श्यामलता का सम्मोहन छा जाता था भूमंडल पर, सौंदर्य प्रकृति का, सौंदर्य प्रकृति का रस पूरित कविताएं बनकर ढलता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौंदर्य प्रकृति का रस पूरित कविताएं बनकर ढलता था, लालित्य संस्कृति का हरदम पुलकित पलने में पलता था। वाह बहुत बढ़िया, वाह। निर्जन वन की, वन का तो हमारे बहुत महत्व था, श्री राम वन में गए, शकुंतला वन में आमोद प्रमोद किया, वन का, वनों का क्यों महत्व था, इसीलिए तो था, वन हमारे प्राण थे संस्कृति। तो निर्जन वन की पावन कुटिया
थी शकुंतला की गोद बनी, अंबर की स्नेह सुधा सिंचित, पृथ्वी उर का आमोद बनी। बहुत बढ़िया। अंबर की स्नेह सुधा सिंचित, पृथ्वी उर का आमोद बनी। बल्लरियों के हिंडोलों पर झूला करती ऋषि कन्याएं, बल्लरियों के हिंडोलों पर झूला करती ऋषि कन्याएं, वे अनुपम असम अनन्याएं, वे धर्म धारिणी धन्याएं। क्या बात। वे अनुपम असम अनन्याएं, वे धर्म धारिणी धन्याएं। वर्षा करती थी काव्य सुधा, सरसा देती जग के मन को, वर्षा करती थी काव्य सुधा। प्रकृति से जन्म होता था साहित्य का भी। बिल्कुल बिल्कुल। वर्षा करती थी काव्य सुधा, सरसा देती जन के मन को, हर्षा जाता जन जन का मन। बार निसर्ग के अपने पन, निसर्ग प्रकृति, हर्षा जाता जन जन का मन, पा निसर्ग के अपनेपन को। जिस निसर्ग से हम आज दूर हो गए हैं, उसका अपनापन हर जीव को, हर प्राणी को, हर मन को मिला करता था किसी जमाने में। बहुत बढ़िया। निर्झर सरिताएं सुमन सुरभि, सज भरत भूमि को कहां गई। निर्झर सरिताएं सुमन सुरभि, सज भरत भूमि को कहां गई। वह विश्व मोहिनी सुंदरता, हे नाथ कहां जा लुप्त हुई। वह पीड़ा है ये, वह विश्व मोहिनी सुंदरता, हे नाथ कहां जा लुप्त हुई। अंधे विकास की आंधी में, बहुत बढ़िया। अंधे विकास की आंधी में, धरती माँ का अंधा शोषण, यदि रोक न पाए हम अब भी, तो भूखा कौन करेगा संपोषण। बहुत यदि रोक न पाए हम अब भी, तो पृथ्वी का कौन करेगा संपोषण। कैसे उपवन महकेंगे, कैसे उपवन महकेंगे, फिर कैसे हरितिमा आएगी। बहुत बढ़िया। धरती माता की सुंदरता सुषमा विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल। धरती माता की सुंदरता और सुषमा विलुप्त हो जाएगी। गंगा यमुना सी सरिताएं गंदी नाली बन जाए। देख लिया अभी सब। गंगा यमुना सी सरिताएं गंदी नाली बन जाएंगी, तब कहां विहग दल विहरेंगे और कहां गीत कोकिला गाएगी। कहां विहग दल विहरेंगे, मृदु गीत कोकिला गाएगी। यदि रोक सकेंगे हम अब भी, थोड़ी सी आशा, थोड़ा प्रेरणा तो देना जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत देर हो चुकी है। यदि रोक सकेंगे हम अब भी, धरती माता का यह दोहन, तो पा लेंगे फिर हरी भरी वह सुखद गोद जो मनमोह। बहुत बढ़िया। तो पा लेंगे फिर से हरी भरी वह सुखद गोद जो मनमोहन। लौटा लाए आह्वान करती हूँ मैं, लौटा लाए आओ फिर से हम प्रकृति के सुंदर धन को। बहुत बढ़िया। लाए आओ फिर से हम प्रकृति के सुंदर धन को, जो हर्षित कर देती अपनी सुंदरता से सबके मन को। बहुत बढ़िया। झरने नदियां फूल खिले, फिर झरने नदियां फूल सजे इस आर्य भूमि के आंगन में। कल्पना करती हूँ, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, आह्वान करती हूँ कि फिर झरने नदियां फूल सजे इस आर्य भूमि के आंगन में। फिर संस्कृति का श्रृंगार करें हम अखिल विश्व के प्रांगण। बहुत बढ़िया। फिर प्रकृति का श्रृंगार करें हम अखिल विश्व के प्रांगण में। नदियों की हो फिर से कलकल,
नदियों की हो फिर से कल कल, पंछी फिर गीत सुनाएंगे। यदि बीत चुका वह स्वर्णिम युग, यदि बीत चुका वह स्वर्णिम युग, हम फिर से लौटा पाएंगे, हम फिर से लौटा पाएंगे। यही मेरा आह्वान है और यही मेरी इच्छा है। आशा जी, अभी आपने एक दो दिन पहले ही पढ़ा होगा कि एक गांव ने इतना अच्छा काम किया है, उसने अपने गांव के चारों तरफ इतने भरपूर नीम के पेड़ लगाए और वहाँ आज एक भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। कल परसों के अखबार में आया था। कितनी अच्छी सोच है, ऐसे गांव को, आदर्श गांव को सबके सामने लाना चाहिए। और कोई चीज कठिन नहीं है अगर हमारा संकल्प हर ले, ले हम कितनी जनसंख्या है, हर व्यक्ति ये दर्द महसूस करे, ये दर्द महसूस करे, पानी की एक बूंद व्यर्थ नहीं जाने देनी है। हर व्यक्ति को हर हर महीने नहीं तो हर वर्ष में एक बार एक पेड़ लगाकर उसका पालन पोषण करना है। स्वप्न लोगों की अवधारणा इसी पे वो है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आपने जो फार्म हाउस में जो अपना एक इतना अच्छा आपने कार्य किया है, ये एक पहल है उस दिशा में, सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए। देखिए आशा जी जी, एक अपन बच्चों को पढ़ाते थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और जब तक हम इस समस्या की तरफ, हर नागरिक का कर्तव्य है कि न सरकार के लिए तो हम यहाँ एकत्रित इसलिए तो हैं हम, ये ध्यान आकर्षित करें लोगों का। बिल्कुल, और अगर हम सब लोग पेड़ लगाने का संकल्प ले लें, जहाँ खाली जगह मिले पेड़ लगाएं, तो ये दिन दूर नहीं हो सकते। बहुत बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, हमारे घर के सामने हरा भरा एक बहुत सुंदर बगीचा है और उसकी मैंने ही अपनी उससे की पत्र व्यवहार करके और आज सब लोग जब मैं सोचती हूँ सुबह सुबह जब हम योगा करने जाते हैं तो लगता है कि असली ऑक्सीजन जो हमें भगवान ने फ्री में दी है उसकी कितनी बड़ी कीमत आज सारे कोरोना पीड़ित चुका रहे हैं। ये प्रण ले ले, मैंने खुद ने कई वर्षों से ये किया हुआ है हमने, कि अपने बच्चों के हाथ से और अपने हाथ से वर्षा ऋतु के मौसम में जब आसपास के उद्यान पार्क होते हैं वहाँ हम अलग अलग पौधे हम खरीद के नर्सरी से लाते हैं और उसमें लगाते हैं और उसमें जाके देखते हैं कि भाई उसमें सूखा तो नहीं है, वो बढ़ तो रहा है कि, ये हर साल का हमने नियम बनाया हुआ है। तो इतना हर व्यक्ति को बनाना चाहिए और करना चाहिए। नहीं, अपने देखो ना, अपने जुलाई के अंदर वन महोत्सव मनाने की परंपरा इसलिए तो शुरू की थी कि हम लोग जो है पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा। नीलम हर साल लगाती हैं और दीदी इसीलिए वहाँ पे स्वप्न लोक के अलावा एक पार्क और विकसित कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। पिछली बार हमने 400 के करीब पौधे दिए थे और उसको देख के भी आते हैं तो लोगों ने मेहनत की है। अब हमें बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों की और कंक्रीटों की आवश्यकता नहीं है, अब हमें पेड़ों की, जंगलों की, नदियों की, इनके विकास करने की जरूरत है, वरना मानवता नहीं बचेगी, सभ्यता नहीं बचेगी। बचेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगी। नीलम, आप कहानी लाए हैं कोई? नहीं दीदी, एक मानव अंधता नाम से एक वो है, कविता ही है, छोटी सी। चलो सुनाओ। स्वागत है, सुनाइए। स्वागत जी। मैं इसको प्रकृति से जोड़ती हूँ क्योंकि मानव इतना अंधा हो गया है कि आपस में लड़ लड़ के मरता है और जो स्वार्थी लोग हैं गिद्ध रूपी वो इसका फायदा उठाते हैं। तो एक व्यंग्यात्मक रचना मैंने लिखी हुई है, सुनाइए। सुनाइए। बात उस समय की है जब मानवता में भलाई थी। बात उस समय की है जब मानवता में भलाई थी, आम जनता सुखी थी, आपस में न कोई लड़ाई थी। बिल्कुल सही। मेरी कविताएं वैसे बहुत सीधी सरल होती है। न कोई झगड़ा था, न कोई फसाद चल रहा था, पर प्रेम था, भाईचारा परवान चल रहा था। बहुत बढ़िया। झगड़ा था, नहीं कोई फसाद चल रहा था, परस्पर प्रेम था और भाईचारा परवान चल रहा था। बहुत अच्छा। लेकिन कहां गए वो दिन जी। लेकिन इधर गिद्ध जो थे
कई दिन से भूखे और बेहाल थे, क्योंकि जब लड़ाई नहीं है तो गिद्धों का बेचारों का, और जिंदगी जीने के लिए बड़े ही मुहाल, बहुत तरस रहे थे बेचारे। सोच समझकर सबने एक सभा बुलाई, गिद्धों ने सोच समझकर सबने एक सभा बुलाई और सभापति को अपनी गुहार लगाई। उपाय करिए महाराज। एक ने कहा, चलता रहा ऐसे ही कुछ दिन, चलता रहा ऐसे ही कुछ दिन, आदमी लड़ेंगे ही नहीं, रहेगा ना हमारा अस्तित्व बहुत दिन, ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। रहा अगर हमेशा ऐसे ही रोला रोला इस तरह से चलता रहा, तो थकी थकी आवाज में गिद्ध बोला, अरे तड़प कर मर जाएंगे एक दिन, अरे हम तड़प कर मर जाएंगे एक दिन, कैसे रहेंगे हम सब खाने के बिन। तो सभी आपस में, सभी ने आपस में काना, सभी आपस में काना खुशी करने लगे और पेट पूजा की युक्ति सोचने लगे। अच्छा, तभी सभापति को एक उपाय सूझा, तभी सभापति को एक उपाय सूझा और उसने सबको इस पहेली से बूझा, और उसने सबको इस पहेली से बूझा तो कैसे। और फिर राय मशवरे के बाद कुछ गिद्ध करने अपनी कारगुजारी को सिद्ध, और राय मशवरे के बाद कुछ गिद्ध करने अपने राय कारगुजारी को सिद्ध, नगर में स्थापित मंदिरों में गए। अच्छा, नगर में स्थापित मंदिरों में गए और वहां बने देव मूर्तियों को खंडित कराए। अच्छा, वहां बनी देव मूर्तियों को खंडित कराए। सुबह हो, हाँ जी, सुबह होते ही मानवों में हुई लड़ाई, जैसे कि हमेशा होती है, और गिद्धों ने मिलके खूब पार्टी उड़ाई, और गिद्धों ने मिलके खूब पार्टी उड़ाई। बहुत अच्छा व्यंग्य है ये। अब उन्हें भूख कभी नहीं सताएगी, क्योंकि ये लड़ते रहेंगे जिंदगी भर, क्योंकि हर बार मानव की अंधता ही उसे हराएगी, क्योंकि हर बार मानव की अंधता ही उसे हराएगी। बहुत बढ़िया नीलम जी, बहुत अच्छी कविता है ये। और आपने तो इसमें बता ही दिया है ना कि जो जो तत्व फायदा उठाने वाले हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो गिद्धी हैं, वो गिद्ध हैं। तो ये भी एक तरह से प्रकृति के ऊपर ही मैंने व्यंग एक लिख दिया। बहुत अच्छी। तो अभी बहनों, आज हम सब ये यहाँ से प्रण लेके चलते हैं कि कोई और हमारी बात सुने या ना सुने, लेकिन नारी कभी ना हारी लेखिका साहित्य संस्थान की हर बहन एक ना एक वृक्ष, अभी जब वन महोत्सव के दिन होंगे, जुलाई में वर्षा आएगी, बस आने वाले कुछ दिनों जरूर जरूर लगाएंगे। और शपथ ले ले, तो शपथ ही ले ले इस बार, और लगाते रहेंगे, क्योंकि जितनी सांसें हमको ईश्वर ने फ्री में दी है, हम जाने से पहले अपना उनका मोल चुकाते जाए, आने वाले बच्चों के लिए हम हरा भरा देश छोड़ के जाए। बिल्कुल दीदी, समय वो तो चार लाइन तो अभी, हाँ अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था एक, कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारे लिए आगे कुछ भी नहीं है, 10 बरस बाद में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कम से कम इस पीढ़ी के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी आयशा जी। हाँ, तो मैं अभी प्रकृति के लिए की बात हो रही है, और ये इससे ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं, इस समय सबसे जरूरी बात यही है बिल्कुल हर व्यक्ति के लिए। तो मैं एक प्रकृति की ओर से चार चार लाइन, प्रकृति अब कह रही है मनुष्य मनुष्य को, मानव जाति को प्रकृति कह रही है, तो बस सिर्फ चार चार पंक्तियां हैं। एक में तो शिकायत कर रही है प्रकृति, मानव से शिकायत कर रही है, देखिए आप, कि मानव तू संतान है मेरी, हे मानव तू संतान है मेरी, फिर भी मुझसे आंखें फेरी, फिर भी तूने मुझसे आंखें फेर ली, आश्चर्य की बात है। प्रकृति भी आश्चर्य कर रही है, अपनी माँ का मोल न समझा, कैसी ये नादानी थी, कैसी नादानी है कि तू बिल्कुल नहीं समझ पा रहा किसकी गोद में रहेगा, कौन तेरा पालन पोषण करेगा, कौन तुझे दुग्ध पान कराएगा, माँ के बिना तो बच्चा अनाथ है।
तो हम क्यों ऐसी नादानी कर रहे हैं, ये प्रकृति कह रही है। और फिर दूसरी चार लाइनें और है जिसमें प्रकृति माँ होने के नाते इतनी पीड़ित, इतनी आहत, इतनी सताई जा चुकी है अपने पुत्रों के हाथ से, संतान के हाथों से, फिर भी उसको संदेश दे रही है, उसको समझा रही है कि अब भी, क्योंकि उसका जी दुख रहा है अपने संतान के लिए, मानव जाति के लिए चिंतित है प्रकृति, चेतावनी भी देती है वो, जैसे माँ थप्पड़ भी मारती है बच्चे को जब वो गलती करता है, तो वो चेतावनी दे रही है, लेकिन नहीं समझ रहा है इंसान, तो कह रही है चार पंक्तियों में प्रकृति कि जाग मेरे पुत्र तू अज्ञान निद्रा मोह से, जाग मेरे पुत्र तू अज्ञान निद्रा मोह से, कष्ट माँ को दे रहा, कष्ट माँ को दे रहा, खुद को बचा इस द्रोह से, क्या बात, बिल्कुल खुद को बचा इस द्रोह से, देर मत कर, बहुत देर हो गई, देर मत कर अब स्वयं के फर्ज को पहचान ले, देर मत कर अब स्वयं के फर्ज को पहचान ले, मुक्त कर ले निज हृदय को स्वार्थ की हर खोह से, मुक्त कर ले निज हृदय को स्वार्थ की हर खोह से, अब निजी स्वार्थ को, मेरे पास इतना मकान हो, इतनी सड़कें हो, इतने वाहन हो, इतनी कारें हो, इतना इंप्रेशन दिखाऊं, इतने एसी हो, जीवन की नश्वरता का इससे बड़ा उदाहरण जो कोरोना ने हमें दिखाया है कोई नहीं, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और अभी भी अगर नहीं, इंसान अभी भी नहीं सीखेगा तो फिर तो मनुष्य है ही इस लायक कि उसकी इसकी सभ्यता का अंत निश्चित है ही, अगर वो अभी भी नहीं समझे, समझ जाना चाहिए मनुष्य को, और अब कम से कम आगे भविष्य को अच्छा बनाए, उज्जवल बनाए। तो आज हम हमें बहुत अच्छा लगा कि हम नारी कभी नहारी लेखिका संस्थान की तीन बहनें ही आई हैं, जबकि हमारी अभी 80-90 बहनें और हैं जो भी समय समय पर आकर के अपने उद्गार प्रकट करेंगी। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं सिटी लाइव के शब्द संसार दिल से के इस कार्यक्रम में उन्होंने हमें आमंत्रित किया और हमने अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। बहुत बहुत आभारी हैं हम सिटी लाइव के, फिर मिलते रहेंगे, नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स। Live, a platform to sharing your thoughts.